Good morning, friends. I am Tanmay Kumar Kole and you are watching my channel Hot Live. आज मैं आप लोगों को बनाना कल्टीवेशन के बारे में विस्तारित रूप से जानकारी देंगे. आइए पहले जानते हैं बनाना का क्या हेल्थ बेनिफिट है. बनाना में सबसे इंपॉर्टेंट पाया जाने वाला कंपाउंड है पोटेशियम. बनाना बहुत हाई सोर्स ऑफ पोटेशियम है और इसका सोडियम कंटेंट बिल्कुल ना बराबर है. उसके वजह से ये हार्ट फ्रेंडली है. ये छोड़ के बनाना में गुड क्वालिटी फाइबर होता है जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है और डायबिटिक पेशेंट को बीच बीच में चक्कर आते हैं और उसी समय में एक पका केला खाना चाहिए क्योंकि बनाना ऐसा फ्रूट्स है जो इंस्टेंट एनर्जी दे सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए जरूरत है. बनाना का हर पार्ट यूज होता है. इसका फ्रूट्स कच्चा में सब्जी के रूप से खाया जाता है, जब पकने पर ये टेबल बनाना की तरह यूज होता है. ये छोड़ के इसका फ्लावर, इसका सीड स्टेम दोनों ही सब्जी में यूज होता है. कुछ डिशेस बनाना लीफ से मोड़ के बनाते हैं जिसको पातुरी कहते हैं और ये पातुरी मछली इवन नॉनवेज आइटम के साथ भी बनते हैं. ट्रेडिशनली हमारा देश में बनाने का लीफ से थाली बनते हैं जो शुद्ध माना जाता है. आप अगर तमिलनाडु केरला में जाएंगे घूमने के लिए वहां रेस्टोरेंट में भी आपको केले के पत्ते में खाना देते हैं. आप अगर आसाम में जाएंगे वहां एक यूनिक प्रोडक्ट मिलता है जिसको नाम है कोलखार. ये एक कोल बोल के जो एक वाइल्ड केला होता है सेमी वाइल्ड टाइप का, उसका छिलका को सूखा के उसको जला देते हैं. जलाने के बाद उसको धीरे धीरे पानी से शुद्ध करके पाचन प्रक्रिया से खार मिलता है. ये पीएच मोर देन 7 होता है. अगर एक खाने में यूज होता है तो जनरली खाना उसको एसिडिटी नहीं होता है एंड लोकल आसामीज लोग इसको सब्जी में डिफरेंट टाइप के तरह यूज करते हैं. बनाना जनरली डीप फ्रायबल एंड अपलैंड सैंडी लोमी सॉइल को पसंद करते हैं. अगर आपका सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन हाई हो वो बेनिफिशियल होता है. स्लाइट अल्कलाइन सॉइल ये टॉलरेट कर सकते हैं लेकिन सैलिनिटी कभी टॉलरेट नहीं करते. रिसेंटली नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कुछ सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी डेवलप किया है. बनाना में और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्रेनेज. इसमें प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए बेटर यील्ड के लिए. बनाना एक ट्रॉपिकल क्रॉप है. ये वार्म एवं ह्यूमिड ट्रॉपिक जो क्लाइमेट है इसमें ग्रो होना पसंद करते हैं. जनरल टेम्परेचर 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका फ्लारिशिंग अच्छा होता है लेकिन बनाना बहुत फ्रॉस्ट सेंसिटिव है. सो ये हाई ऑल्टीट्यूड जहां बर्फबारी होता है वहां इसका कल्टीवेशन सुटेबल नहीं है. बनाना एक विरुद्ध वर्गीय पौधा है. ये कोई वृक्ष नहीं है. हल्का हवा तेज चलने से पेड़ गिर सकते हैं. हमारा देश में समुद्र के किनारे वाला एरिया में जहां केला ज्यादा होता है वहां साइक्लोन के वजह से बहुत समय देखा जाता है ये पौधा बर्बाद होता है. इससे बचने के लिए विंड ब्रेक ट्री लगाया जाता है. जिस तरफ से हवा आता है उस तरफ में ऊंचा और मजबूत ब्रिक्स लगा देते हैं जो हवा को काटेल करके ऊपर से बहा देते हैं और पौधा बच जाता है. ट्रेडिशनली बनाना साकर से प्रोपगेशन होता है. पौधा के नजदीक में जो छोटा छोटा पौधा रहता है उसी को साकर कहते हैं. बाएं वाला साकर जो यहाँ है वो है शॉर्ट साकर. इसका पत्ता तलवार की तरह होता है और दाई जो देख रहे हैं छोटा छोटा पौधा जिसको पत्ता चौड़ा होता है इसको बोलते हैं वाटर साकर. ये दोनों में शॉर्ट साकर ज्यादा प्रेफर्ड है. बनाना कल्टीवेशन में हम लोगों शॉर्ट साकर को लगाना चाहिए.
क्योंकि सोड शक्कर में जो जड़ है वो ज्यादा मात्रा में होता है और जो वाटर शक्कर है जो लेफ्ट साइड में इस फोटो में है वो कम जड़ वाला होता है। ज्यादा जड़ होने की वजह से आसानी से मिट्टी में इसका अच्छा एडोप्टेशन होता है। केला जब आप लार्ज स्केल में खेती करना चाहेंगे वहां साकार से पॉसिबल नहीं होता है। हमारा देश में बहुत सारा टिश्यू कल्चर लैब तैयार हुआ जहां टिश्यू कल्चर पौधा मिलता है। ये पौधा बहुत सस्ता है और सबसे इसमें एक खास बात है इसमें डिजीज फ्री पौधा मिलता है। फिलीपाइंस में एक इम्पोर्टेंट रिलेटेड स्पीसीज है जिसका नाम है मूसा टेक्सटाइलिस जिससे रेशा निकालता है और वो कपड़ा के लिए इस्तेमाल होता है। केला में बहुत सारा वैरायटी मिलता है। बिहार में चीनी चंपा ज्यादा पॉपुलर है। प्रेजेंटली G9 जो वैरायटी है उसको ज्यादा एरिया बढ़ते जा रहा है। ये छोड़ के कच्चा केला पे जनरल नॉर्मल कच्चा केला और एक बतीसा कच्चा केला ये दोनों को अच्छा डिमांड है। बनाना स्क्वायर मेथड में लगाया जाता है। एक प्लांट से दूसरा प्लांट का दूरी 1.8 मीटर होना चाहिए। जब प्रिसिशन फार्मिंग के केस में ये स्पेसिंग और भी घना होता है जहां एक तरफ से 1.5 मीटर होता है दूसरा तरफ से 2.1 मीटर डिस्टेंस होता है। जनरली प्रिसिशन फार्मिंग में ड्रिप इरिगेशन यूज होता है। आजकल लार्ज स्केल खेती में बनाना में ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन से आपका पौधा हेल्दी रहेगा और उपज ज्यादा आएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाना में यूज होना शुरू हो गया। इसमें बनाना पौधा सेड नेट के अंदर होता है और इसमें यील्ड बहुत अच्छा होता है। ऊपर से ओवरहेड इरिगेशन होने के वजह से प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। बनाना में फर्टिलाइजर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन शुरू में FYM 10 से 15 kg प्रति प्लांट देना चाहिए। ये छोड़ के नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम अलग अलग डोज में जो इस साइड में मैं वर्णन करके रखा हूँ। बनाना में स्कैरिंग बीटिल फ्रूट्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। फ्रूट जब छोटा रहता है ये इसमें खरोच लगा देते हैं। जब बड़ा होने के बाद फ्रूट्स में दाग बन जाते हैं। अगर आप इसको बैगिंग कर दें फ्रूट का क्वालिटी अच्छा रहेगा। बाजार में अच्छा दाम मिलता है। ये बैग जनरली नॉन वुवन मटेरियल से बनता है। इसको मटेरियल आप लोग अगर खरीदना चाहते हो मैं नीचे लिंक दे दिया हूं वहीं से डायरेक्ट जाके आप परचेज कर सकते हैं। डीसकरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है बनाना में। इसमें एक बड़ा पौधा और साथ में छोटा बच्चा रखना चाहिए। दूसरा जितना साकार रहेगा उसको रिमूव कर देना चाहिए। इससे क्या होता है नीचे जो कीड़ा रहता है वो कीड़ा नहीं रहेगा। दूसरा बात है आपको पौधा भी हेल्दी रहेगा एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेगा। बनाना बंच जो होता है कभी कभी बहुत हेवी होता है। पौधा विरुद्ध गति होने की वजह से हल्का हवा से गिर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपिंग करते हैं। आप प्रॉपिंग सिंपल बांस से भी बना सकते हैं आयरन रॉड से भी बना सकते हैं। अभी तक आप लोगों को बनाना के कल्टीवेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किया हूं। आइए आते हैं देखते हैं बनाना में क्या क्या छोटा छोटा लघु उद्योग का अपॉर्चुनिटी है। सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है बनाना लीव से बिजनेस करना। आजकल रेस्टोरेंट में छोटा होटल में बनाना थाली में खाने का प्रचलन बढ़ा है। ऑनलाइन में आप अगर देखेंगे एक एक थाली का प्राइस 2 से 5 रुपया में बिकता है। ये छोड़ के बनाना से छोटा छोटा इस तरह कप भी बनता है जिससे आप गोलगप्पा चाट भंडार में आप सेल कर सकते हैं। बनाना सीओडोम स्टेम से रेशा बनते हैं। उस रेशा से कपड़ा बन सकते हैं और कच्चा बनाना से बनाना फ्लोर बन सकते हैं। बनाना स्टार्च में एक यूनिक प्रॉपर्टी है ये जल्दी से इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है और इसी का फायदा उठा के ये डायबिटिक के लिए डायबिटिक फ्रेंडली आटा भी इससे बन सकता है। कच्चा बनाना से बनाना चिप्स बनता है। जब पका बनाना से बनाना आइसक्रीम बनता है। इस तरह बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना से बन सकते हैं। तो दोस्तों आज
आप लोगों को मैं बनाना के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर किया है। कैसा लगा है ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।